हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कोरोना और अनलॉक 2.0 चल रहा है और सभी घर पे हैं और स्कूल में हम सब हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और बेंच को बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसा समय आ गया कि बेंच को बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि चैप्टर जो हमारा लास्ट वीडियो में चैप्टर जो चल रहा था वो पॉलिनोमियल चल रहा था। पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल और उसके कुछ टाइप्स बताए। आगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे जब बढ़ाएंगे तो इस टॉपिक में एक टॉपिक है आपका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस आर्टिकल को हम जानेंगे और इससे बेस्ड जो एक्सरसाइज 2.2 हो गए उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम बताएं इन जनरल If alpha and beta, देखिए यहां पर alpha और beta जो है ग्रीक लेटर है। कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर है। तो alpha and beta are the zeros, of, मान लीजिए alpha और beta are the zeros of quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स इक्वल टू, मान लीजिए अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो है, दैट इज पीएक्स इक्वल टू एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी। मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो जनरली हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 हो गई, तो यहां पर क्या बचा, bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक कितना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c के दो जीरो मान लीजिए अल्फा एंड बीटा। ओके, तो जब अल्फा और बीटा इसके दो जीरो हैं देन यू नो दैट ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में, x वेरिएबल, क्योंकि यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। तो देन यू नो दैट x माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आर द, ये क्या होते हैं, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगी, फैक्टर हो जाएंगे किसके, पॉलिनोमियल पीएक्स के फैक्टर हो जाएंगे। तो जब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर हैं तो देखिए इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सो वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, और वी कैन राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर जो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फैक्टर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं वी विल टेक ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज द k। तो यहां पर एक कांस्टेंट लेंगे इज इक्वल टू k इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, इस तरह लेते हैं, वी राइट लाइक दिस k into x minus alpha into x minus beta। तो means ये जो value है ax square plus bx plus c equal to हो गया k into x minus alpha into x minus beta। अब इसका हम multiply कर देंगे, जहाँ पर k जो है वो क्या है, constant, where k is a constant, यहाँ पर k क्या है, constant है, क्योंकि यहाँ पर proportional को equal में change करने के लिए we will take a constant, हमने एक arbitrary constant लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे k इनटू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई x का x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर
ओके x इंटू x, x स्क्वायर, x का बीटा फिर माइनस x बीटा, ओके माइनस अल्फा का x फिर माइनस x अल्फा, प्लस माइनस अल्फा का माइनस बीटा में प्लस अल्फा बीटा, ओके दैट इज द मल्टीप्लाई. फिर नाउ k इंटू x स्क्वायर. अब देखिए यहां पर दोनों में x कॉमन है, अगर हम माइनस x कॉमन कर ले तो यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा. क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया, तो माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ओके प्लस अल्फा बीटा. अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए k में, तो दैट इज इक्वल टू k इंटू x स्क्वायर में मल्टीप्लाई kx स्क्वायर माइनस k इंटू k का x में kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा में k अल्फा बीटा, ओके तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई k का x स्क्वायर में kx स्क्वायर, k का इसमें मल्टीप्लाई माइनस kx इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा. तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल है किसके? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है. अब हम इसके अब इसको कंपेयर करते हैं. अब दोनों जो दोनों साइड है LHS और RHS में दो टर्म मिला है, यहां पर LHS में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस k इंटू x अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा, ये राइट हैंड साइड में है. अब हम दोनों साइड की क्वांटिटी को देखें, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a. यहां पर राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a. यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? b. यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस k अल्फा प्लस बीटा. यहां पर c एक कांस्टेंट है, यहां k अल्फा बीटा. तो दोनों साइड का हम कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कॉन्स्टेंट टर्म, x स्क्वायर x एंड कॉन्स्टेंट टर्म वी गेट. अब हम दोनों साइड के LHS और RHS में x स्क्वायर और का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म का को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. तो x स्क्वायर इक्वल टू यहां पर क्या है? a है. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? k. a इक्वल टू k. इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट LHS में क्या है? b है. यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस k अल्फा बीटा. तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा. इज इट क्लियर? माइनस k अल्फा प्लस बीटा. अब यहां देखते हैं, यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है? c है. यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है? k अल्फा बीटा. तो c की वैल्यू क्या हो गई? c इक्वल टू k अल्फा बीटा. ओके अब हम इसको बताते, देखिए a इक्वल टू k हो गया तो k की वैल्यू क्या हो गई? a हो गई. तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए यहां पर. तो k के प्लेस पे क्या रख देंगे? b इक्वल टू k के प्लेस पे रख देंगे a, तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा. ओके तो माइनस a इधर आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a. ओके तो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड द नेक्स्ट c इक्वल टू k अल्फा बीटा. तो k की वैल्यू क्या है? a. तो c इक्वल टू a अल्फा बीटा. तो देन अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू
वाली एंड द सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस बी को मींस दैट इज द बी द कोफिशियंट ऑफ द एक्स. तो वी कैन राइट माइनस कोफिशियंट ऑफ, ये कोफिशियंट किसका है, ऑफ एक्स का, अपॉन ए दैट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये क्या हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. सी इज द कॉन्स्टेंट है, सी क्या है कॉन्स्टेंट है अपॉन ए. ए क्या है दैट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा सी अपॉन ए दैट इज द कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द सम ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन ए. तो बी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहां पर दो आपको फॉर्मूला मिला अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. तो दैट इज द सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो. ओके, तो कट बंद करें.